पता नहीं पाजी परमात्मा के लिए कोई अच्छा काम किया होगा या किसी की दुआ होगी जो इतने अच्छे बंदे इस फिल्म में मिले, सबके साथ काम करने के लिए मौका मिला और मतलब सबने इतना प्यार दिया, यू कांट इवन थिंक। मतलब मैं बोलूँ भी मैं आई वाज द लकीस्ट वन, सबने इतना प्यार दिया, सबको सबको इंडिविजुअली सबको प्यार मिला है, लेकिन बहुत मज़ा आया पूरे सेट पे। हमने मतलब बाहर भी शूट की है, यहाँ पे भी, उदयपुर पे भी, तो जहाँ जहाँ पे भी हम गए हमें बहुत मज़ा आया। और मतलब अक्षय पाजी जैसे होता है ना पाजी, भी एक जो आपका ऑब्वियसली वो हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं, जो वो एक आपका जो सबसे बड़ा बंदा होता है, अगर वो अच्छा हो, वो सबसे सबको अच्छे से रखे, तो सारी टीम बहुत प्यारे तरीके से रहती है। मेरे को सबसे बड़ी बात लगती थी, हम सब जाने पाजी लंच इकट्ठा करते थे सभी, मतलब अक्षय पाजी की एक मतलब वो हैबिट है, वो मतलब HODs होते हैं जो पूरे डिपार्टमेंट के या एक्टर्स होते हैं, वो सभी इकट्ठा बैठ के लंच करते हैं। तो एवरी डे जो हम दोपहर में बैठ के खाना खाते थे, प्रज्ञा ने अलग कोई मछली मंगा रखी होती थी, वानी ने कुछ अलग मंगा रखा होता था, अक्षय पाजी का कुछ अलग बना होता था, तो हम वहाँ पे हम बिरयानी विरयानी साग वाग खाने वाले बंदे, तो हम हमारा छोड़ के इनमें से उठा रहे होते थे, ये मंगवा लेती थी बस वो हीरोइन के चक्कर में भी हमें हेल्थी खाना है, खा ये भी बिरयानियाँ रही होती थी वहाँ पे, तो इन्होंने कभी अक्षय पाजी के प्लेट में से उठा लेना कुछ, मतलब पाजी चिल था, खाना खाने गए थे बेसिकली और फिल्म बना के आ गए मज़े मज़े में, बहुत इन्जॉय किए पाजी हम तो, मज़े आए चिल चिल में, है ना, ऐसा हो गया, यहाँ पे फिल्म बन गई। थैंक यू पाजी फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट। आदित्य दिस वन्स फॉर यू, यू नो गाने की बात करने आए, गाना लॉन्च करने आए, ऑफ कोर्स टॉक टू अस अबाउट द शूट यहाँ पे, बिकॉज वी हैव सीन दिस BTS दैट इज ऑलरेडी डूइंग द राउंड्स और उसको बड़ा सारा प्यार मिल रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ आप। यू सी द काइंड ऑफ फन दैट वी आर हैविंग इन द सॉन्ग, तो कई सारे मौके ऐसे थे जहाँ पे सर ने कहा, मुदस्सर सर ने कहा विद पीयूष शाजिया, दे कोरियोग्राफ द सॉन्ग एंड दे डायरेक्टेड इट, उन्होंने कहा कि यार ये यहाँ पे ना जो करना कर लो, जो मन कर रहा है, हम स्टेज पे खड़े एक जगह पे, वहाँ पे कहा जो करना कर लो, और फिर वहाँ पे सारे मतलब कोई अपना टॉकिंग चालू है किसी की, हाँ 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 सब कुछ चालू है, एंड वी आर गोइंग बजर्क, सो दैट्स द काइंड ऑफ फन दैट वी हैड। एंड एक मैं एक मौका आया था, आई सेड यार let me get out of my character and let me just have fun, wo drone shot chal raha hai aur yahan pe hum log kood rahe hain, naach rahe, ga rahe, I think that's the kind of fun that we've had puri shoot ke dauran, aap hum jab song ke alawa hum jab baki shoot bhi kar rahe the, to ek shot khatam ho gaya, agla shot lagne wala hai, are kya kare, chalo ludo nikalo yaar, hum log ludo khelte hain, to shot ke beech mein fir हम क्या है, डायरेक्टर साहब बड़े हमारे काबिल हैं, तो उन्होंने क्या किया कि हम स्केड्यूल से आगे चल रहे थे, एक आध दिन स्केड्यूल से आगे, जो कि होता नहीं है, तो हमारा गेम चल रहा है, आखिर के 5 या 7 मिनट बाकी हैं, सर आते क्या चल रहा है गेम में, अच्छा बाकी कर लो फिर शूट करेंगे, तो हमने लिटरली यही खेल में ये पूरी फिल्म बनाई है, पूरा गाना शूट किया है, लिटरली इट्स बीन द मोस्ट फन दैट आई हैव एवर हैड ऑन अ सेट। Seriously. Right. Thank you so much for sharing that. Ladies and gentlemen, Aditya Seel, Zordar Thalia. Pragya, quickly, you know, when we talk about a Hindi entertainer, we say Hindi picture dekhni hai, yaar. And this is, we all are eagerly waiting for 15 August pe aayegi. For you, you know, being a part of this Hindi picture, us sentiment ke baare mein bolo. यार ये तो आप जानते हैं कि जब भी कोई इस देश में एक्टर बनना चाहता है ना, तो यू वांट अ प्रॉपर हीरोइन एंट्री इन अ कमर्शियल एंटरटेनर, इट इज़ ऑल ऑफ दैट, एवरीथिंग दैट आई एवर ड्रीम्ड ऑफ इट्स देयर इन द फिल्म। और एक्सपीरियंस वाइज लाइक सब ने जैसे बताया है, इट्स द मोस्ट फन फिल्म दैट वन कुड एवर एक्सपेक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ, मतलब वन कैन इवन ड्रीम ऑफ समथिंग लाइक दिस, so just very very lucky, very grateful that it was such a smooth entry in Bollywood, matlab wo jo struggle hota na pehli picture yaar aise nahi hoga waise nahi hoga, I was treated with so much respect, so much love, all the actors were so helpful, you know it's a different industry for me, so I had some hiccups you know on some days, but I was never made to feel like you know like you're new and you need to, it was just so smooth, so wonderful, so just very happy and very grateful. Thank you so much, the entire cast is gaane mein to main bol sakta hu, is slaying it, so thank you so much Mudassir sir for doing this for all of us here. Before I invite the producers from Wakao, I would want you to talk about T series and of course Bhushan Kumar sahab, you know acche music ki baat ho, content driven cinema ki baat ho, unka naam hamesha hi aata hai.
जी, इफ यू कैन अलाउ मी एक्चुअली वन मिनट बिफोर दैट, यूजुअली टेक्नीशियंस को उनका नेसेसरी जो ड्यू होता है वो नहीं मिलता है, तो आई वॉन्ट राउंड ऑफ अप्लॉज टू गो डाउन फॉर पीयूष एंड शाजिया बोथ. They've choreographed this song and my first experience working with them, and definitely not going to be my last. So yes. Raha sawal aapka sawal Bhushan ji ko lekar ke tha. Khair haan ji, ye aa gaye Piyush Shahzi aa gaye. Dekhiye ye hamari back to back dusri outing hai. Pati Patni aur wo was when him and me came together first time, Bhushan ji and me. This is the second time around. He is somebody who I have great fun working with because as a creator, as somebody who writes and directs his own work, bahut kam baat unke aur mere beech mein hoti hai kyunki commercial cinema ki unki understanding bahut high hai. There's a reason why he is where he is and you know who he is. And his involvement in music, wanting to push a song, creating events around the song. I mean, you know, you can only wish that all producers had the bandwidth to do this and had the inclination to do this as well. So yeah, so it's always a pleasure, and I think this happens and then something else happens after that. So ladies and gentlemen, the Kamal ka choreographer duo, ladies and gentlemen, Piyush Shazia. You know, these days we talk about short formats. Hook step जो होता है ना बड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है. यहाँ जो ये hook step हो रहा है, आपने चार पांच दे दिए, समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला पकड़ना है. Talk to us about that. करके दिखाओ, वो मैं करवाऊंगा बिल्कुल. Can we have the music? Come on.
अपन सा यहाँ पे लाइट ही लाइट है, लाइट की क्या जरूरत है? आकांक्षा लाइट ही लाइट है। होले होले यहाँ पे भी वाव आपके लेफ्ट से स्टार्ट करो। अरे यार ये साइड आओ ना थोड़ा सा मैम आपके लेफ्ट में आओ। आकांक्षा जी आपके लेफ्ट में आओ ना थोड़ा। ये सेंटर इशू इधर इशू यहाँ पे अभी ईशा जी सेंटर सेंटर थैंक यू ईशा सोलो यस यस बस 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 हाय मैम ईशा 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 सेंटर ईशा यहाँ पर सेंटर में भी कॉपी दो यहाँ पर सामने ईशा बहुत बारिश है ईशा ईशा एक बार अभी हाँ ईशा मैम थैंक यू ऊपर थैंक यू।